Smash that subscribe button, then press the bell icon and be the first one to watch my future videos. Hey, what's up guys, this is Rajat Agrawal and welcome to the another episode of Rajat's Tech Tube RTT. फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने अपने चैनल पे एक सीरीज स्टार्ट करी है, एंड्रॉयड ऐप की सीरीज, जिसमें कि मैं आपको एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाना सिखाता हूँ, उसमें ऐड लगाना सिखाता हूँ और उसको प्ले स्टोर पर पब्लिश करके आप कैसे अर्न पैसे कमा सकते हैं वो बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मेरा पार्ट थर्ड है, मैंने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड अपलोड कर दिया है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको उसी एप्लीकेशन में एड्स लगाना सिखाऊंगा और एडमोब पे एड यूनिट क्रिएट करना सिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड नहीं देखा है तो ये वीडियो आपको कोई की भी काम की नहीं है, क्योंकि जब तक आपकी एप्लीकेशन नहीं बनेगी आप उसमें एड्स नहीं लगा पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी एप्लीकेशन नहीं देखी है तो आप मेरी डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, मैंने तीन एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर लॉन्च कर रखी है, पब्लिश कर रखी है, उनको आप इंस्टॉल करके देख सकते हैं उनमें कैसा इंटरफेस मैंने रखा हुआ है, कैसे उसमें एड्स आते हैं और कैसे उसमें अर्निंग्स होती है और उसमें क्या क्या कंटेंट मैंने रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, मैंने तीनों एप्लीकेशन की लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ जाके उसको सिंपली देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो मैंने अपनी ये वेबसाइट यहाँ पर खोल ली है, साइट यहाँ पर खोल ली है, मैंने एक यहाँ प्रोजेक्ट ले लिया है, हाई एटीट्यूड SMS। तो फ्रेंड्स, ये मेरा एक एप्लीकेशन है जो मैंने प्ले स्टोर पर लॉन्च कर रखी है, पब्लिश कर रखी है, आप इसको देख सकते हैं, ये मेरी डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगी आपको, बेस्ट शायरी 2018 के नाम से। तो आप इसमें देख सकते हैं कि मैंने कैसे कैसे एड्स रखे हुए हैं, क्या इंटरफेस रखा हुआ है, क्या इसमें कॉन्टेंट मैंने यूज़ किया हुआ है कॉन्टेंट। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। आपको प्लस के सिंबल पर क्लिक करना है, यहाँ एड मोब डालना है सिंपल, जिस पर कि आप एड यूनिट क्रिएट करते हैं, जहाँ से आपको एड की लिंक मिलती है जो आप एप्लीकेशन में अपने में लगा सकते हैं। इसको करने के बाद आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, सेकंड ऑप्शन पे। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ साइन अप फॉर एड मोब पे क्लिक करना है, क्योंकि आप नए हैं, अगर आप पुराने हैं तो आप साइन इन भी कर सकते हैं, बट आपको नई आईडी बनानी है तो आप साइन अप कर लीजिए। अब आप देख सकते हैं जो आपके लैपटॉप कंप्यूटर में आईडी खुली होगी वो यहाँ पर शो हो जाएगी, बट अगर आपको अलग आईडी से बनाना है एडमोब अकाउंट तो आपको क्रिएट और यूज़ अनदर अकाउंट पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल कर आ जाएगा, आप एड अकाउंट पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर कोई भी अपनी आईडी, जो भी जिस आईडी से भी आप एडमोब अकाउंट बनाना चाहते हैं वो सिंपली यहाँ पर आप टाइप कर दीजिए। तो मैं टाइप नहीं करूँगा क्योंकि मैंने बना रखी है, आप इसको यहाँ सिंपली बना दीजिए, पासवर्ड डाल दीजिए, आपकी आईडी बन जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको अपनी आईडी साइन इन करनी है। साइन इन करने के लिए आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है साइन इन टू एडमोब, तो इस पर आप क्लिक कीजिए तो ये ऑटोमेटिकली साइन इन हो जाएगी, जिस आईडी से आपने अपनी जिस आईडी से जीमेल आईडी से आपने एडमोब अकाउंट बनाया है वो उससे ऑटोमेटिकली यहाँ रिडायरेक्ट हो जाएगा, उस आईडी से ऑटोमेटिकली आपका एडमोब अकाउंट खुल जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, आप साइड में एक ऑप्शन देख पा रहे हैं ऐप्स का, ऐप्स के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और यहाँ ऐड ऐप पर क्लिक कर दीजिए। तो हो सकता है फ्रेंड्स आपका जो नया नया अकाउंट है उसमें यहाँ ऊपर ही ऊपर क्रिएट ऐप का ऑप्शन आ जाए, तो आपको क्रिएट ऐप कर देना है, बट मेरा ये पुराना अकाउंट है तो मुझे ऐड ऐप पर क्लिक करना पड़ेगा। ऐड ऐप पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ ये पूछ रहा हैव यू पब्लिश योर ऐप ऑन गूगल स्टोर, कि आपने अपना जो भी एप्लीकेशन है वो गूगल स्टोर पर पब्लिश कर रखा है। तो मैं इसको करता हूँ नो। अब आपको यहाँ एंड प्लेटफॉर्म पे एंड्रॉयड चूज करके आपकी एप्लीकेशन का नाम दे देना है, जो भी आप चाहते हैं। तो मैं इसको प्रोफेशनल दे देता हूँ। प्रोफेशनल देने के बाद इस पर ऐड पे क्लिक कर देता हूँ मैं। इस पर जैसे ही क्लिक कर देंगे आप तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खोल कर आ जाएगा, यहाँ लिखा हुआ है कॉन्ग्रेट्स योर ऐप हैज़ बीन एडेड टू एडमोब, मतलब एडमोब पे अपनी एड वो ऐप जो है वो ऐड हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, क्रिएट एड यूनिट पे क्लिक करना है। यहाँ आपको कुछ ऐसा इंटरफेस खोल कर आ जाएगा, यहाँ आपको तीन तरह की एड मिल जाती हैं, बैनर एड, इंडस्ट्रियल एड और रिवार्डेड एड। तो फ्रेंड्स अपनी जो यूज़ आती हैं वो होती हैं बैनर एड और इंडस्ट्रियल एड। अब सिंपल आपको क्या करना है, आपको सेलेक्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पर एड यूनिट नेम के आगे आपको कोई भी यूनिट नेम दे देना है, जैसे मैं दे देता हूँ V1 बैनर 1, आप कोई भी नाम दे सकते हैं जो भी आप चाहते हैं, और क्रिएट एड यूनिट पर क्लिक कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ आ चुका है एड यूनिट सक्सेसफुली क्रिएटेड। अगर आपको दूसरी यूनिट बनानी है तो आपको क्रिएट अनदर एड यूनिट पर क्लिक करना पड़ेगा, आप इस पर क्लिक कीजिए। दोबारा बैनर एड पर क्लिक करता हूँ मैं और अब की बना देता हूँ V2। तो फ्रेंड्स आप नाम अलग अलग दीजिए, अगर आप एक ही नाम लेंगे तो खुद कंफ्यूज हो जाएंगे ऐड लगाते टाइम कि आपने कौन सी ऐड लगा दी है। क्रिएट एड यूनिट पर क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद क्रिएट अनदर एड यूनिट पर क्लिक कीजिए और इंडस्ट्रियल एड पर अब की बार सेलेक्ट कर लीजिए। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ लिख देता हूँ I1, I1 मीन्स इंडस्ट्रियल एड 1।
इसको क्रिएट कर दीजिए, अनदर करिए, फिर इंडस्ट्रियल लाइन में सेलेक्ट कीजिए। अब मैं I2 बना देता हूँ, क्रिएट एड यूनिट पे क्लिक कर दीजिए। अब अपनी चार ऐड बन चुकी हैं, मैं डन पे क्लिक कर देता हूँ। अब फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अपनी चार ऐड बन चुके हैं, दो बैनर ऐड बन गए, दो इंडस्ट्रियल ऐड बन चुके हैं। अब आपको क्या करना है, अपनी एप्लीकेशन में वापस आ जाना है। एप्लीकेशन में वापस आने के बाद सबसे पहले आपको लेआउट पे क्लिक करना है। लेआउट पे आपको ये फर्स्ट वाला बॉक्स लेके सिंपल यहाँ चूज कर लेना है। चूज करने के बाद आप यहाँ इसकी विड्थ जो देख रहे हैं इसको आपको फिल पेरेंट कर लेना है, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड पार्ट में भी बताया था, और इसको ओके कर दीजिए जिससे ये पूरी स्क्रीन पे फैल जाए। अब आपको क्या करना है, ऐसे ही एक और लेआउट ले लेना है, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ले लेना है नीचे ही नीचे, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने पहले से ले रखा है। अब आपको सिंपल कुछ नहीं करना, अब आपको सिर्फ नीचे एक ऑप्शन दिख जाएगा एक्सपेरिमेंटल का, एक्सपेरिमेंटल पे क्लिक करना है। यहाँ देख सकते हैं आपको ऑप्शन मिल रहा है ऐड मोब बैनर, तो आपको सिंपली यहाँ ये चूज़ कर लेना है। ऐसे ही सिंपली सेकंड बॉक्स जो है उसमें भी आपको ये चूज़ कर लेना है। ये आपके दो ऐड लग चुके हैं, आप देख सकते हैं ऐड मोब बैनर 1, ऐड मोब बैनर 2। अब आपको क्या करना है, ऐड मोब इंडस्ट्रियल ऐड आप लगा सकते हैं सिंपली यहाँ चूज़ करके। तो आप देख सकते हैं आपको ऐड नहीं दिखेंगे, इंडस्ट्रियल ऐड नहीं दिखेंगे, बैनर ऐड दिख जाएंगे पर इंडस्ट्रियल ऐड नहीं दिखेंगे, क्योंकि ये इनविजिबल होते हैं, ये केवल आपको कंपोनेंट्स में ही दिखेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं नीचे ही नीचे दो ऐड्स। ठीक है फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, ऐड मोब बैनर 1 पर क्लिक करना है, अपने ऐड मोब अकाउंट पर जाना है। आप देख सकते हैं अपने बैनर 1 यहाँ पर लिखा हुआ है, ऐड क्रिएट कर रखा है, तो आपको सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेनी है अपनी ऐड को, अपनी ऐड की लिंक को, अपनी एप्लीकेशन में जाना है, यहाँ पर सिंपली इसको पेस्ट कर देना है कंट्रोल वी से। और फ्रेंड्स ये जो टेस्ट मोड है इसको आपको अनटिक कर देना है, क्योंकि अगर टिक लगा रहेगा इस पर तो एड्स तो आएंगे आपकी एप्लीकेशन पे बट उसके पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो टेस्ट मोड पे चलता रहेगा, इसलिए टेस्ट मोड को आप अनटिक कर दीजिए। ऐसे ही सिंपल दूसरे एड मोब बैनर पर आपको क्लिक करना है, टेस्ट मोड पर क्लिक करना है और B2 पर क्लिक कॉपी कर लेना है। तो फ्रेंड्स आप ध्यान रखें, बैनर बैनर ऐड पर आप बैनर के ही ऐड लगाएं, अगर आप इंडस्ट्रियल ऐड बैनर में लगाते हैं या फिर बैनर के ऐड इंडस्ट्रियल ऐड में लगाते हैं तो आपके वो ऐड काम नहीं करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आपको इंडस्ट्रियल ऐड पर क्लिक करना है, वही टेस्ट मोड अनटिक कर देना है और I1 पे कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देना है। ऐसे ही सिंपली इंडस्ट्रियल 2 पे करना है, टेस्ट मोड अनटिक करके ऐड मोड पे जाके आपको I2 पे कॉपी करके यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो है आपके सारे एड्स लग चुके हैं, 1 2 3 4 आपने एड्स, चार एड्स लगा दिए हैं। तो फ्रेंड्स मेरी माने तो आप एक पेज पे चार, तीन या चार से ज़्यादा ऐड ना रखें, क्योंकि अगर तीन चार से ज़्यादा ऐड रखते हैं तो हो सकता है जो भी व्यूअर है वो ज़्यादा क्लिक कर दे और आपके जो क्लिक हैं वो इनवैलिड एक्टिविटी में आ जाए और आपका गूगल अकाउंट एडसेन, मतलब गूगल एडसेन अकाउंट जो भी है वो डीएक्टिवेट हो जाए, या फिर उसमें से आपके कुछ पैसे कट जाएं इनवैलिड एक्टिविटी के चक्कर में। अब फ्रेंड्स आपने यहाँ एड्स तो लगा दिए अच्छी तरह, उसकी आईडी भी आपने लिंक भी लगा दी है, अब आपको क्या करना है, ब्लॉक्स पे जाना है। ब्लॉक्स पे जाने के बाद मैं आपको बता देता हूँ, ये मैंने पहले से ही कुछ कर रखा है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको दोबारा से बताता हूँ कि आपको क्या करना है। तो फ्रेंड्स अब आपको क्या करना है, इसको आप मत देखिए, ये आपको फर्स्ट और सेकंड एप्लीकेशन में, फर्स्ट और सेकंड पार्ट में जो मैंने आपको सिखाया था वो है ये सब। अब आपको क्या करना है, आपको आपके बैनर ऐड पर क्लिक करना है, फर्स्ट वाले पे आपको फर्स्ट ऑप्शन ऐड मूव बैनर 1 ऐड लोडेड पर क्लिक करना है, यहाँ चूज़ कर लेना है। दोबारा आपको ऐड मूव बैनर 1 पर क्लिक करना है और यहाँ पे सेट ऐड मूव बैनर विजिबल पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, लॉजिक पे जाना है और इसको ट्रू कर देना है। फ्रेंड्स सेम प्रोसेस आपको बैनर ऐड के संग करना है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ, ये प्रोसेस केवल बैनर एड्स के संग ही करना है, आपको इंडस्ट्रियल एड्स के संग नहीं करना है। बैनर ऐड पर क्लिक कीजिए, फर्स्ट वाले ऑप्शन को चूज़ कीजिए, दोबारा उस पर क्लिक कीजिए, इसको विजिबल कर दीजिए और इसको लॉजिक में जाके ट्रू कर दीजिए। तो फ्रेंड्स इसका मतलब होता है कि अपन ट्रू कर रहे हैं तो वो ऐड अपन को विजिबल होगा, शो होगा अपने एप्लीकेशन में। अब आपको क्या करना है, अब सिंपल आपको स्क्रीन पर क्लिक करना है, स्क्रीन पर क्लिक करते आपको थर्ड ऑप्शन यहाँ मिल जाएगा, वेन स्क्रीन वन इनिशियलाइज, मतलब जब स्क्रीन वन खुलेगी। तो फ्रेंड्स अब आपको यहाँ क्या करना है, जैसे ही स्क्रीन वन खुलनी है आपको आपके सारे एड्स लगाने हैं, तो एड मूव बैनर 1 पर क्लिक कीजिए, सेकंड ऑप्शन पर्पल कलर का आपको दिख रहा है एड लोड एड, इसको यहाँ चूज कर लीजिए। ऐसे ही आपको एड मूव बैनर 2 पर क्लिक करना है, वही सेकंड ऑप्शन चूज कर लेना है, कॉल करना है जैसे कि वो एड्स आ जाए, जैसे आपकी स्क्रीन खुले खुले।
एड मोब इंटरेस्टियल एड पे आपको क्लिक करना है, वही आपको कॉल कर देना है एड्स को, और एड मोब सेकंड पर क्लिक करना है और इसको भी यहाँ लगा देना है। तो फ्रेंड्स बस आपका काम हो गया, आपको ये वाला काम करना है, ये वाला काम करना है और ये काम करना है। अब आपके एड्स जो है आपकी एप्लीकेशन पे शो होने लग जाएंगे सर में। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो, अगर आपने मेरी फर्स्ट और सेकंड वीडियो नहीं देखी तो उसको ज़रूर से देख लीजिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी। उसमें मैंने एप्लीकेशन बनाना सिखाया था कि आप एप्लीकेशन कैसे बना सकते हैं। और फ्रेंड्स आप यकीन नहीं मानेंगे, जो मैंने बेसिक और प्रोफेशनल ऐप में फर्स्ट और सेकंड पार्ट में आपको बताया था, उससे आप बहुत अच्छी अच्छी एप्लीकेशन बना सकते हैं, क्योंकि उसी के थ्रू मैंने एप्लीकेशन दो एप्लीकेशन बनाई है, जो जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ जाके मेरी एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करके चेक कर सकते हैं कि वो एप्लीकेशन मैंने कैसे बनाई है। सिर्फ और सिर्फ बेसिक रूल के आधार पे वो एप्लीकेशन मैंने बनाई है, तो आप मेरी उस एप्लीकेशन को चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो, आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप एडमोब पे अपनी आईडी कैसे बना सकते हैं, उसमें एड यूनिट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और साथ ही में अपनी एप्लीकेशन में उस एड को कैसे लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये टेस्ट मोड है, इसको अनटिक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप इसको अनटिक नहीं करेंगे तो आपके एड्स आएंगे, बट आपके एड्स में आपको पैसे नहीं मिलेंगे। आप अनटिक इसको कर दीजिए तो आपके एड्स भी आएंगे और आपको पैसे भी मिलेंगे। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी वीडियो, अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने जो मतलब ये जो आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये स्क्रीन पर आपको शेयर का बटन मैंने लगाना सिखाया था, एक्सेट का लगाना सिखाया था, क्लिक हेयर का लगाना सिखाया था अपने सेकंड पार्ट में। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप कोई भी ऑडियो फाइल कैसे लगा सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। या फ्रेंड्स अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी स्क्रीन पे कोई भी ऑडियो फाइल कैसे लगा सकते हैं, और अगर उस ऑडियो फाइल को कोई क्लिक करता है तो वो कैसे प्ले होगी, कैसे पॉज होगी और कैसे स्टॉप होगी। तो इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही बेहतरीन सीरीज लेकर आया हूँ अपने चैनल पर, जिसमें कि मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। आप एकदम प्रोफेशनल ऐप बना पाएंगे, वो भी विदाउट कोडिंग, बहुत ही आसानी से। अगर आपको कोई भी परेशानी होती है एप्लीकेशन बनाने में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको सारी जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा, और आपकी प्रॉब्लम जहाँ तक है सॉल्व कर दूंगा। तो फ्रेंड्स चलता हूँ, मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।